places A and B are 100 kilometer apart on highway. One car starts from A and another from B at the same time. Two places मेरे पास एक A है और एक B है और यहाँ से एक कार चलती है, एक यहाँ से चलती है. ऐसे भी चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है. If car travels in the same direction at different speeds, let ये B1 है और ये same direction में ये let ये B2 है and then different speed, they meet in 5 hours. ये 5 hours में meet करेंगे. Let ये distance मेरे पास L है और ये meet कितनी देर में करते हैं? ध्यान से देखिए, 5 hours में. Okay, first case में. और if if they travel towards each other in they meet in 1 hour. जैसे ये ऐसे travel कर रहा है और ये अगर ऐसे travel करेगा, तो ध्यान से देखिए, तो एक एक घंटे में वेट करते हैं. व्हाट आर देयर स्पीड्स? तो नाउ फोकस हियर, ये दूर जाकर जा रहा है, रिलेटिविटी का है. तो जो डिस्टेंस, अगर मैं इसको रेफरेंस को फिक्स करता हूं, तो जो डिस्टेंस जो ट्रेवल होगी एल, डिस्टेंस बराबर होता है क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम या और स्पीड इनटू टाइम. ओके, तो आवर वाइज अगर हम फोकस करें, तो जो एल है ये किस स्पीड से कवर होगी? जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो दूर जाते जा रहा है, तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी v1 माइनस v2, दूर जा रहा है मतलब इससे अप्रोच होंगे और दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. जैसे ऐसे जा रहा है तो ऐसे 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 ज्यादा जाएंगे और ऐसे जा रहे हैं तो दोनों एड होंगे लाइक, ठीक है ना? तो v1 माइनस v2 इनटू टाइम कितना लग रहा है? 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर बी, इफ द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन स्पीड से 5 आवर 5. ओके, ठीक है ना? एक ये है मेरे पास रिलेशन. अनदर रिलेशन क्या है? सेम एल डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल हो रही है? अगर v1 प्लस v2 से, तो 1 आवर में ट्रेवल हो रही है. तो देयर आर टू इक्वेशंस आई हैव. एल की वैल्यू मुझे गिवन है कितना है, 100 किलोमीटर है और ये 100 किलोमीटर है. तो नाउ फोकस हियर, ये फिजिक्स का पार्ट था कि सेम डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो पीछे पीछे देर में पकड़ में आएगा और ये भी आ रहा है पास में, ये भी आ रहा है पास में, तो जल्दी से ज्वाइंट हो जाएंगे. तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन v1 प्लस v2 कितना आ गया, v1 प्लस v2 कितना आया, 100 है. एंड v1 माइनस v2 की वैल्यू कितनी है? v1 माइनस v2 की वैल्यू कितनी है? ये 20 है, तो दोनों को ऐड करते हैं, तो 2v1 कितना आया मेरे पास, 120 आया. एंड v1 की वैल्यू आएगी 60 km/h, ठीक है ना? एंड v2 कितना आ जाएगा, 40 km/h. ओके, तो ये स्पीड्स होंगी. तो ध्यान से समझिए, इस प्रॉब्लम में जो क्रैक था वो ये था कि सेम डायरेक्शन में मूव अगर हम करते हैं, सेम डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं, तो वो जो वेलोसिटी ये ऑफ अप्रोच क्या है, डिफरेंस होगी. मतलब लाइक और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए वो था लाइक बोथ आर सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों भी दोनों अपार्ट हैं ये, ठीक है ना? तो मुझे लगता है समझ आ गया है. अच्छे से देखिए, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब नेसेसरी एक और बात है, V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा आनी थी तभी ये पार कर पाएंगे. अब V2 ज्यादा होता तो दूर ही दूर भागते रहते, कभी एक दूसरे को टच नहीं कर पाते. तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और मुझे लगता है समझ में आ गई. ओके,